संत समाज की जय। अच्छा छोड़ दीजिए ना। पूज्यपाद गुरुदेव जी के समय होने जा रहा है। ग्राम के सत्संगियों भाइयों तथा बहनों की उपस्थिति यहाँ कम है, इसलिए आप लोग गुरुदेव के आने के पहले आप लोग पंडाल में आ जाए, वैसे संख्या कम नहीं है, काफ़ी है। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, हमारे सत्संग में उपस्थिति ज़्यादा बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग भाइयों के हैं। हमारे सामने में पहले देवियां सामने है और साइड में देवता है, तो पहले हम देवियां की तरफ से ही शुरू करते हैं, देवता के पास जाकर अंत कर देंगे। एक बहू रोटी पका रही थी, बना रही थी, रोटी बेल करके जैसे तवा में देते हैं वो देती है, तवा गरम ज्यादा था, समझ नहीं पाई तवा में रोटी दे जैसे डालती है, इधर दूसरी रोटी तैयारी कर रही है, उसी बीच में रोटी जल जाती है क्योंकि तवा बहुत गरम था। और उसकी सास साइड में बैठी हुई थी, उधर रोटी जली, इधर सास के खून गरम हो गया। सास सोचती है जी रोटी जला दिए, चलो पहली रोटी जली है, दूसरी रोटी जब डालती है उधर जलावन ठीक करने थे, गांव घर की बात गैस की बात नहीं है, जलावन सही करने लगते, संयोग देखे दूसरी रोटी भी जल गई। दूसरी रोटी जब जल गई तो सास के खून खोल के 99 डिग्री पर पहुंच गए, उधर रोटी जली इधर सास जलना शुरू हो गई, 99 डिग्री पर पहुंच गई है, बस उबलने वाले हैं। संयोग देखिए तीसरी रोटी जैसे डालते हैं पीछे से उसका छोटा बच्चा आता है और बाल पकड़ लेता है, मम्मी दूध दीजिए दूध दीजिए, मुझे दूध चाहिए मुझे दूध चाहिए। अब बच्चा के संभालने के चक्कर में तीसरी रोटी जल गई, तीसरी रोटी जलते ही उसकी सास उबल गई, जोर जोर से अपनी बहू को डांटने लगी कि तुम्हें अक्ल नहीं, तीन तीन रोटी जला दिए, क्या तुम्हारे तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता ने तुम्हारे कुल खानदान ने सिखाया है, यानी पूरा कुल खानदान को उलट दिए तीन रोटी जलने के चक्कर में। जो जो एक महिला के गाली होती है, सास की गाली होती है बहू के लिए, कुल ऐसी महिला जो कुल होते हैं गाली पूरी की गाली दे दी, अब सास बहू को तो गुस्सा का मारे देह जलने लगा। वो क्या करते, तीनों रोटी उठा करके हाथ में लेती है, सास के मुंह पर फेंक देती है, कहती है तुमको यही रोटी खाना है आज, तुमको यही रोटी खाना है, रोटी जल गई तो तुमको, आप मुझे कहते तुम्हें इस रोटी ये रोटी खाना है, मुझे दो थप्पड़ लगा देते, मुझे चार गाली दे देते, हमारे पिता ने क्या किया, हमारी माँ ने क्या किया, हमारे कुल खानदान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि चार तीन रोटी के चक्कर में मेरा पूरे कुल खानदान उलट दिए। रोटी जल जाए कोई बात नहीं, दिल नहीं जलना चाहिए, रोटी जल जाए दिल नहीं जलना चाहिए, वस्तु खराब हो जाए व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए। क्या आपकी बहू से रोटी जल गई तो आपका मन खराब हो गया कि आपकी बेटी से नहीं जलती होगी? बहू और बेटी में भेदभाव महिला ये माताएं बहुत करती है, इसलिए चीज खराब हो जाए दिल खराब नहीं होना चाहिए, वस्तु खराब हो जाए व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए। अब पिता की तरफ यानी हमारे जो बुजुर्ग पिताएं हैं उन लोग बेटा कहीं गुस्सा में कुछ कह देते हैं तो क्या कहते हैं, भीख मांग कर खा लूंगा तुम्हारी एक बात नहीं सहूंगा, एक बात आपके बेटा ने कह दिया था आपको इतना बड़ा अपमान लग गया, भीख मांग कर खाने में आपको कौन सा सम्मान मिल जाएगा। भिखारी को देखते हैं कितना दूध काटते हैं, एक रुपया मांगता है वो, उसको भी लोग नहीं देना चाहते दूध काटते हैं,
परंतु बेटा गुस्सा में कुछ कह दिया तो भीख मांग कर खा लेंगे, तुम्हारी बात नहीं सहेंगे, भूल कर कभी मत कहिएगा, बेटा आपका है सुनाएगा किसको। खास बात कहने का मतलब है जो व्यवहार में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी आदमी वाणी जो बोलता है बड़ा कठोर बोलता है, खाना चाहता है मीठा अब बोलता है कड़वा। किसी को चाय में नमक दे दे या करेला का जूस दे दे तो पिएगा चाय, नहीं पिएगा। यानी करेला का जूस दे दीजिए तो नहीं पिएगा लोग, उसको चीनी चाहिए, चाय में चीनी चाहिए, दही में चीनी चाहिए, दूध में चीनी चाहिए, यानी हर जगह मीठा चाहता है परंतु बोलता है कड़वा। कबीर साहब ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। मधुर वाणी औषधि के समान होती है और कटु वाणी तीर के समान होती है, वो कान के द्वार से प्रवेश करती है और पूरा मन को अशांत कर देता है, पूरे शरीर को अशांत कर देता है, दिल दिमाग को अशांत कर देता है। तो हमें क्या करना है, मीठा बोलना है। कबीर साहब कहते हैं मीठी वाणी औषधि काम करते हैं। डॉक्टर जो दवाई देते हैं उस दवाई का काम क्या है, शरीर के बीमारी को दूर करना। शरीर में जो भी बीमारी होती है उस बीमारी को दूर कर देते हैं डॉक्टर की दवाई, परंतु जो मीठी वाणी है मधुर वाणी है वो ऐसी दवाई है जो मन की अशांति को दूर कर देते हैं, मन की पीड़ा को दूर कर देते, दिमागी टेंशन को दूर कर देते हैं। कोई आदमी आपके पास अशांत होकर के आया है, किसी कारण से परेशान होकर के आया है, उससे थोड़ा सहानुभूति दिखाते हुए उनके साथ अच्छा से बात करिए, हंस के बात करिए, मुस्कुरा के बात करिए, तो उनका दिल दिमाग ठंडा हो जाता है, दिल दिमाग हल्का हो जाता है। तो परंतु आदमी प्रेम से बोलने की आदत नहीं है, जब भी बोलता है कटु बोलता है, जब भी बोलता है कड़वा बोलता है, झड़के से बोलता है, पास में भी आदमी रहता है तो इतना जोर से बोलता है कि सुनने वाले के भी कान में आवाज बहुत तेजी से लगता है, उसके कान में झोर पड़ता है। तो हमें क्या करना है, मीठा बोलना है। मीठा बोलने की आदत आदमी को नहीं है, कटु बोलने की आदत ज्यादा है। किसी से कोई गलती हो जाती है तुरंत गुस्सा में आ जाता है, तुरंत डांटने लगता है। ऐसा संसार में कोई आदमी नहीं हुआ है जो दूध का धोया हो जिससे गलती नहीं होती होगी। हर आदमी से गलती होती है, जब हमसे गलती होती है तो दूसरे से गलती क्यों नहीं होगी। परंतु आदमी को अपनी गलती खराब नहीं लगती है, अपनी गलती उनको बुरा नहीं लगती है, दूसरे की गलती उनको जल्दी बुरा लग जाती है, जल्दी खराब लग जाता है। हम चाहते हैं बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बैठ जाइए आप लोग, जल्दी बैठ जाइए। तो मैं कह रहा था कि आदमी को अपनी गलती अच्छी लगती है, दूसरे की थोड़ी भी गलती अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी भी तहरे नहीं लगता है। दूसरे से थोड़ी भी कोई गलती होती है
तुरंत उसको डांटने लगता है, उसको गुस्सा करने लगता है, उसको कोई पिटाई करने लग जाते हैं। एक आदमी भोजन कर रहा था, देखिए एक कैसा व्यवहार किसी किसी के कितना खराब होता है। वो आदमी भोजन कर रहा था, उसकी पत्नी उसको भोजन करा रही थी, भोजन करा रही थी, भात लेकर के आई दोबारा, सब्जी लेकर के आई, दाल लेकर के जब आई तो चम्मच से दाल उसके थाली में जब दे रही थी तो देते देते संयोग से हाथ से चम्मच छूट गया। जो करछुल होता है वो हाथ से छूट गया, छूट गया तो वो जो चम्मच था थाली में गिरते हुए वहां से उछल करके उसके धोती पर पड़ गया, आ गया। अब दाल की जो दाग है, दाल की जो छिट्टा है, उसके कपड़ा में लग गया। कपड़ा में जब लगा तो इतना गुस्साया, इतना गुस्साया, और पत्नी को क्या कहने लगा कि तुम इतना पसेरी भर खाती है, एक चम्मच नहीं संभाल पाती है, तुमसे एक चम्मच नहीं संभालता है, पसेरी भर नहीं खाता है। गुस्सा में क्या कहता है कि तुम पसेरी भर खाती है, तुमको एक चम्मच नहीं संभालता है, मेरा धोती मेरी धोती को गंदा कर दिए, आइंदा ऐसी गलती तुमसे हुई तो मैं तुमको ही बदल दूंगा। उसके पति कहता है जब आइंदा ऐसी गलती तुमसे हुई तो तुमको बदल दूंगा, यानी तुमको त्याग दूंगा और दूसरी पत्नी कर लूंगा। इतना भीग जिस धोती में दाग लगने के कारण पत्नी को ही बदलने के तैयार हो गया। उसकी पत्नी को बहुत दुख लगा, बहुत मन में पीड़ा हुई। उसने सोचा ये कैसा आदमी है, इसका इसकी जो धोती है इसको मैं ही साफ करती हूँ, सारा काम करती हूँ, हर चीज व्यवस्था करके इनको देती हूँ, बैठे बैठे खाता है, अपना ड्यूटी में जाता है। अब भूल से एक धोती पर मेरा ये चम्मच गिर गया, दाल के दाल लग दाग लग गई, ये मुझे ही बदलने के तैयार हो गया। उसको इतना दुख हुआ, वो कहती है कि कभी क्यों बदलेंगे, कभी क्यों बदलेंगे, अब ये बदल लीजिए और इसी समय बदल लीजिए। वो दौड़ती हुई छत पर चली गई और छत पर से कूद गई, जमीन पर गिरी, फर्श पर सिर फट गया और मर गई। ये कैसा कैसा आदमी को स्वभाव होता है, इस ढंग के स्वभाव कभी अच्छा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, मधुर वाणी मीठी वाणी औषधि के समान लोगों के काम करते हैं, लोगों के मन मस्तिष्क को हल्का कर देते हैं। तो हमें बोलना क्या करना है, हर क्षण मिठाई बोलना है। पिता पुत्र से बोले तो मीठा बोले, पुत्र पिता से बोले तो मीठा बोले, भाई भाई से बोले तो मीठा बोले, पति पत्नी से बोले तो मीठा बोले, पत्नी पति से बोले तो मीठा बोले। हर जगह मीठा बोलने की जरूरत है, कटु बोलने की कहीं जरूरत नहीं है। यदि कटु बोलेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह बैर विरोध होता ही रहेगा। तो कबीर साहब कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वारे संचले साले सकल शरीर। कटु वाणी आप किसी को भी आप बोलकर देखिए, डांट को देखिए या किसी के गाली देकर देखिए, फटकार करके देखिए, उसको चेहरा कितना उदास हो जाता है, कितना मुरझा जाता है। एक बार किसी को आप डांट देते हैं उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, और उसका तो खराब होता है, खुद का भी खराब हो जाता है। डांटने से आपस की बातचीत बंद हो जाती है, कोई सेवा सहयोग बंद हो जाता है, पूरा घर का माहौल खराब हो जाता है। तो आपस में प्रेम भाव पूर्वक रहें, किसी के गलती पर उसे प्रेम से समझाना चाहिए, प्रेम से उसको समझाने से सुधरता है, डांट कर कोई व्यक्ति नहीं सुधरता है। किसी व्यक्ति को आप डांट करके पिटाई करके आप सुधार नहीं सकते, जब भी आप वो आदमी सुधरेगा तो आपके प्यार की भाषा से ही सुधरेगा। तो कबीर साहब कहते हैं आप परिवार में समाज में कहीं भी सुख शांति और प्रेम से रहना चाहते हैं, एकता बना कर रहना चाहते हैं, आपस में प्यार सहयोग लेना और देना चाहते हैं, तो सदैव प्यार की भाषा बोलिए, प्रेम की भाषा बोलिए और मीठा बोलिए। बस इन्हीं वस्तुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु।